नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मिस्टर ये बन चुकी है मिट्टू बाद। ये निकल चुके हैं मोमोज के पहली ट्रे। तो कुछ वो भी आ रही है। अच्छा गुड मॉर्निंग सबको, बोल दो गुड मॉर्निंग। तो आज दादी क्या बना रही है? पकौड़ी बना रही है। पकौड़ी आज दादी बना रही है, पकौड़े क्योंकि पकौड़ी बन रही है बारिश वाला। और हम बारिश में लेंगे पकौड़े की मजे, है ना निकू? तो क्या चीज के पकौड़े बना रहे हो माँ? मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े और हरी पत्तों के सब्जियों के पकौड़े। अच्छा, तो आज तो मजा आ जाएगा पकौड़े खाने में, है निकू? निकू को भी बनाऊंगी मैं पकौड़ी। देखो बोलो नहीं नहीं। ओए, ओए, ओए। इसको चाहिए ये मैं, ये है शैम्पू और साबुन निक्कू का। ये देखिए, ये इनका काम था सुबह से, मेरा काम भी रोक के और अपना काम भी रोक के इस पे लगे हुए थे। ये इतना महंगा गिटार लटकाने का कितने का था? ये मैंने बोला 200 रुपए का भी मिला था। मैंने बोला 200 रुपए का लाके लटका तो क्या जा रहा है, इसमें लटकाना ही तो है। डिजाइन जैसा कि आप देख रहे हो बाहर, मौसम इतना सुहाना हो रहा है, इतना मस्त हो रहा है कि मतलब बारिश झमाझम गिरे जा रही है रास्ते। और आज हमने सवेरे जैसे कि पकौड़े बनाए थे और पकौड़ों का आनंद लिया चाय के साथ। और अभी मैं बनाने वाला हूँ गढ़वाली डिश। गढ़वाली डिश का नाम है मिठू भात। मतलब खाया होगा जो भी गढ़वाल से होगा उसको पता होगा कि मिठू भात किसे बोलते हैं। तो मैं मिठू भात बनाने वाला हूँ और उसको गढ़वाली में बोलते हैं खुसका। आप बताइए आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप बताइएगा उसको मीठे चावल को क्या बोलते हैं जो गुड़ के साथ बनता है। अक्सर शादी हो, पार्टी हो, किसी चीज़ में भी फंक्शंस में वो मीठा भात जरूर बनता है। गाँव के लोगों को मीठा भात बहुत पसंद है, उनके लिए वही स्वीट डिश होती है, तो इसीलिए वो मीठा भात खाते हैं। तो आप बताइए क्या आपके गांव में बनता है कि नहीं बनता है, और उसे किस नाम से बुलाते हैं और किस नाम से जाना जाता है? चलो फिर इस सुहाने मौसम में गाना तो सुना दो। गाना मैं सुना देता हूँ बट मेरे को पूरा अच्छी तरह से आता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ही उसकी लाइन सुनाऊंगा। नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना है सरारा है गेरे पर खजुकी है। हो चुकी है तैयारी शुरू और हमने ले लिया है गुड़। ये दिखाइए गुड़ को, ये ले लिया हमने गुड़। गुड़ को पानी में भिगाने रख दिया है ताकि उसको पूरा मतलब ऑब्जर्व हो जाए पानी बिल्कुल, और गुड़ गल जाए जल्दी, एंड हो जाए। और थोड़े से चावल लिए, चावल को हम भिगाने रख देंगे ताकि वो कच्चे ना रहे, जल्दी पक जाए गुड़ के साथ। तो इसीलिए हम पहले से भिगा के रख देंगे 5 से 10-15 मिनट तक, ताकि ये थोड़े से मतलब सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह पकने में कम टाइम लगे। ये हम चढ़ा चुके हैं गुड़ का पानी जो हमने भिगाने के लिए डाल रखा था, ताकि जल्दी से गर्म कर रहे हैं उसे, ताकि जल्दी से गल जाए, वो पिघल जाए और मेल्ट होके जल्दी से वो मतलब पानी की तरह हो जाए, ताकि हम चावल में डाल सके उसे पका सके। चावल भी भिगो के रखा हुआ है, चावल भी भिगो के रखा हुआ है, तब तक चावल भी अच्छी तरह मतलब ऑब्जर्व कर लेंगे पानी को और खिल जाएंगे। चढ़ा चुके हैं पानी और पिघला रहे हैं गुड़ को। पिघल गया क्या? बस पिघल रहा है मतलब है अभी तो। और मैं यहाँ पे हमेशा तेरा वीडियो बना रही है, वीडियोग्राफर प्लस कुकिंग असिस्टेंट। वो तो जरूरी है, एक सेफ के साथ कुकिंग असिस्टेंट भी होना जरूरी है, जो कि रुचि हमेशा काम करती है असिस्टेंट्स का। हाँ, है ना? सेफ के साथ कॉमी वन भी तो होना जरूरी है ना। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, बस आप जल्दी से बना दो और खिला दो सबको। मतलब रुचि कह रही है 5 बजे तक मिलेगा खाना, है ना? लग तो रहा है यही, ऐसा तो नहीं है 5 बज जाएंगे, अभी तो 3-4 घंटे और पड़े हैं। रुक बता कितने आराम आराम से बनाते हैं, पहले आराम से चावल धोएंगे। दोस्तों आप भी बताइएगा
किसी चीज को बनाओ तो दिल से बनाओ, प्यार से बनाओ, आराम से बनाओ, तो उसमें टेस्ट ज्यादा आता है ना। और किसी चीज को जल्दबाजी में बनाओ उसमें टेस्ट कहाँ आएगा। बना दिया दोस्तों, आप बताना मुझे इसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं रुचि, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं जिससे चावल निकालते हैं? पन्यू। पन्यू हमारे यहाँ इसे कहते हैं पलटा। कुछ भी, ये जल चुकी है गैस और लग चुका है प्रेस कुकर, प्रेस कुकर में जाएगा तेल। डाल चुके हैं हम इसमें तेल, हो चुकी है शुरुआत। क्या डाल रहे हो? ये डाल दी मैंने पॉप। और ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा नारियल। गैस कर दिए कम, भून दिया मैंने। अब यहां से डालेंगे धीरे धीरे करके चावल। जीरो राइस नहीं हो बेटा, उसमें डाला है सौंफ। अब जाएगा इसमें गुड़ का पानी। गुड़ का पानी इसमें अभी हमने चावल और डाल दिया है सब कुछ, और अभी एक सीटी का वेट कर रहे हैं कि एक सीटी आएगी, फिर उसके बाद बंद करेंगे और ये पक जाएगा तब, है ना। तब तक के लिए हम चलते हैं। तो ये बन चुकी है मिट्टू बाद, इसमें तो फ्लावर की डिजाइन भी बनी हुई है ना। मिट्टू भात, और मिट्टू भात को अभी कहीं मिट्टू भात कैसा बना है, और अभी खाते हैं और एंजॉय करते हैं मिट्टू भात के साथ। आज पहाड़ी डिश बनी है, तो पहाड़ी हो चुकी है शाम, और अभी हम जा रहे हैं मोमोज की तैयारी करने। मोमोज बनाएंगे सभी मिल बैठ के, और देखते हैं मोमोज की प्रिपरेशन कैसे होती है। मोमोज बनाएगी रुचि, और जैसा कि मॉर्निंग में रुचि ने बताया था कि आज हमने लगाया ये, आप देख सकते हो इसे, सुंदर लग रहा है ना रुचि? हाँ जी, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। उसमें मेरा रबर बैंड दिख रहा है आपको? रबर बैंड इसलिए लगाया ताकि वो नीचे ना गिर जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्लोप हो चुका है, हमारी जो दीवार है वो पीछे से उठी हुई थी। सब जा रहे हैं हम पहले सामान लेने, सामान लेने, मोमोज का सामान लेके आते हैं, मैदा वैदा लाना होता है। और बताइए रुचि को ज्यादा पता है। अरे तो क्या 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 चाहिए होता है उसके लिए? उसमें कुछ नहीं चाहिए होता है, मैदा। अब जिस चीज का बना रहे हो, वेज या नॉन वेज जो भी है, तो हम वेज बना रहे हैं तो हम गोभी लेके आएंगे, फिर प्याज चाहिए, बस इतना ही तो चाहिए होता है। रुचि नॉन वेज का बना के देखे, बनाएंगे वो भी अगली बार बनाएंगे नॉन वेज, इस बार पहले वेज बनाते, फिर अब सबको। हाँ तो टेस्ट कराते ना, एक्चुअली पहली बार है रुचि का भी मतलब बनाने का, अब देखते हैं रुचि क्या पता सही ना बनाए तो फिर हमारा नॉन वेज भी खराब चला जाएगा। इससे पहले वेज से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले ही बनाए तो अगली बार नॉन वेज बनाएंगे। इससे पहले हम वैसे स्टार्ट करते हैं, वेज बनाते हैं और वेज का देखते हैं, क्योंकि वेज सस्ता पड़ता है, नॉन वेज महंगा पड़ता है ना, वो खराब हो गया था हमारा। तो दुख नहीं है, दुख तो होगा उसमें भी। दुख तो नहीं होगा, उसकी भुज्जी बन जाएगी, सब्जी खा लेंगे, है ना। कोई नहीं, इतना भी डाउट मत करो, अच्छा बनाऊंगी मैं बस। कोई नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस है रुचि बहुत अच्छा बनाएगी। चलो लेट्स डू इट, और चलते हैं मार्केट। सच में यार मोमोज बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल का काम है। देखो हमारे पास तीन काम था, एक प्याज कट करना, एक ये कद्दूकस करना, एक मैदा गुनना। सबने अपना अपना काम चूज किया। इन्होंने बोला मैं कद्दूकस करूंगा, क्योंकि इनको लगा सबसे इजी तो कद्दूकस करना है। फंस गए है ना। और भाभी ने बोला मैं प्याज काटूंगी, और भाभी भी लगे रहे अभी वहां पे लगे हुए हैं प्याज काटने में। और मैंने गुंदा था मैदा, गिरा मैं तो एकदम सबसे पहले तैयार। पानी डाल के हर कोई चीज जल्दी भूंद लेगा ना। इनको पता है क्या लगा, सबसे इजी काम ये कद्दूकस। और ये क्या हालत कर दी गोभी की। चलो भाभी की तरफ जाते हैं। और भाभी कैसे चल रहा है मोमोज की तैयारियां? बढ़िया चल रहा है, है? प्याज कट हो रहा है, ये देखो भाभी ने भी प्याज कट कर दिया, खत्म होने वाली है। उधर चल रही है बंद गोभी की कद्दूकस। तो यहाँ पे शुरू हो चुकी है मोमोज की तैयारियां, मतलब वैसे हमने ये फिलिंग बना दिया था
अब कह रहे कि मैं बेलूंगा तुम बनाओगे। ये बेलेंगे मैं बनाऊंगी मोमोज है। तो अभी देखो अभी शुरू ही करी है क्योंकि इतना बना हुआ है, तो चलो अब बनाते रहेंगे और फिर खिलाते रहेंगे। हाँ। है ना, 25 तीस से दिखाना मैंने देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक बार में 25 खाऊंगा। तो दो लगता है, दो इसमें से दो सीट तो इनके लिए बनेंगे 25। तो चलो बनाते रहेंगे। ये बन चुके हैं मोमोज। मोमोज की शक्ल देख लो, पहले डिजाइन देखो, ये रुचि ने बनाया। कैसा लग रहा है रुचि बना के? बहुत बढ़िया। तो अभी हम इसको रखने जा रहे हैं गैस पे। अच्छा, ये तीनों शीट भर गई। और कितना टाइम लगेगा इसको पकने में? 10-15 मिनट लगेंगे। 10-15 मिनट मतलब 10-15 मिनट में ये पक के तैयार। तैयार सीधा प्लेट में सर्व करो, है ना? 10-15 मिनट ठीक है। तो अभी हम चलते किचन में। पहले ऑलरेडी बॉइल्ड कर रखा पानी है ना, और इसमें टमाटर डाल दिए। देखो इतना दिमाग लगा लिया कि मतलब पहले ही टमाटर इसमें बॉइल्ड चटनी के लिए डाल दिए हैं, बॉइल करने के लिए। चटनी के लिए डाल रहे हो ना टमाटर? हाँ जी। ताकि साथ के साथ इसमें बॉइल्ड भी हो जाएंगे और गैस की बचत भी हो जाएगी, है ना? और मोमोज भी पक जाएंगे। ये निकल चुके हैं मोमोज के पहली ट्रे, और इस ट्रे में है मोमोज 15, और ये पक चुके हैं अच्छी तरह, है ना रुचि? ये देखो प्लेट के साथ तैयार हो चुके हैं, लग चुके हैं प्लेट। ये मम्मी लेके गई है मोमोज, ये देखो हैं? ए, देखो बहुत बढ़िया है, है? पहले खा के तो देखो। मैं खाऊंगा जब भी, तो खा लो, खाओ पहले। कैसे हो रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मेरे को सबसे ज्यादा मिल रखे। और मम्मी को देखो, मैं सारा प्लेट भर के ला गई। अच्छा, सारे प्लेट। अच्छा, मेरे को। और यहाँ बैठे हैं बड़े भाई, अच्छे हो रहे? आपने खा लिया? खा के देखो। खाया नहीं। खा के देखो, इतना अच्छा हो रहा है। खा के देखो, खा के नीरज बना रहे हैं। खा के देखो, खा के देखो, बढ़िया बन रहा है। खा के देखो, खाऊंगी ना। टेस्ट करो, टेस्ट करके बताओ। तू भी आ रही है? अच्छा, बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप बता दो कैसा लग रहा है मोमोज? बहुत टेस्टी मोमोज हो रहे हैं, बहुत वाकई में बहुत टेस्टी हो रहे हैं। ऐसा मोमोज तो बाहर वाली दुकान में भी नहीं मिलता। जितना कि मैं अभी ये खा रहा हूँ ना, मतलब मन कर रहा है ये खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। कितना खा लिया अभी तक? नहीं मानोगे, मैंने दो ट्रे खाई है, दो ट्रे खा चुका हूँ। मतलब काउंट नहीं किया आपने कितना खाया? काउंटलेस, क्योंकि मेरा मन कर रहा है खाते जाओ मोमोज, बस ठंडे होते जाए और मैं खाते जाऊँ। अच्छा, इतना अच्छा बना है? बहुत टेस्टी बना है वाकई में, बहुत अच्छा हो रहा है। और ये डिजाइन देखो, ये इन्होंने बनाया है। और ये में, और ये देखो, इसमें 3 टाइप्स के डिजाइन है। एक चकोर वाला है जो कि मैंने बनाया है, बोलो। ये मतलब गलती से बन गया था ये वाला डिजाइन, तो इसको साइड में रख दो। और ये रुचि ने बनाया है डिजाइन, एक राउंड शेप का, एक ऐसे लंबा शेप का। चटनी कैसे हो रही है? बहुत टेस्टी है, बट चटनी में बहुत ज्यादा मिर्ची है। तो बिना चटनी तो मिर्ची होना चाहिए ना चटनी में? इतना ज्यादा मिर्ची भी नहीं होनी चाहिए यार, हम मिर्ची नहीं खाते, बट इसके साथ बहुत अच्छी लग रही है मिर्ची भी, मतलब खा सकता है बंदा, मतलब बहुत वाकई में बहुत टेस्टी हो रहा है। जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। हमने 3 बार बनाए और 3-3 की ट्रेज है, तो मतलब वो हो गए हमारे 9 टाइम्स मोमोज। तो 9 टाइम के मोमोज आप अंदाजा लगा सकते हो, सारे ही खत्म हो चुके हैं, मतलब सबने गिनने हैं। बहुत अच्छा होता, बहुत टेस्टी, और थैंक यू बोलता हूँ रुचि को कि इतने टेस्टी मोमोज खिलाने के लिए। अच्छा, और रात का डिनर हमारा यही था, और हैवी हो चुका है अभी, बहुत सब कुछ हैवी हो चुका है। अब बस खाते ही नींद आ रही है, अब सोने जा रहे हैं। तो अभी खा चुके हैं सभी मोमोज और दे चुके हैं अपना रिव्यूज, मतलब बहुत टेस्टी हो रहा था मोमोज। थैंक यू बोलता हूँ रुचि की इतना टेस्टी मोमोज, इतने टेस्टी मोमोज खिलाने के लिए, और ऐसे ही खिलाते रहो और ऐसे ही खुश रहो और ऐसे ही खुश रखो सबको। मेरे ऑफिस वाले देखेंगे ना ये वीडियो, तो वो जरूर बोलेंगे मोमोज खिलाया नहीं, क्योंकि कुछ स्टाफ पीछे पड़े हुए, मोमोज लाओ, तो मोमोज लाओ। एक्चुअली स्टाफ के लिए अलग से ले जाना जब बनाओगे एक्स्ट्रा में, बट इतने टेस्टी थे कि हमने सब खत्म कर दिए, सब खा गए, हमने बचाए नहीं है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुचि, क्योंकि आपने इतने टेस्टी टेस्टी मोमोज खिलाने के लिए, और ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और सबको खुश रखिए, खिलाते रहिए और ऐसे ही खिलाते रहिए, और ऐसी टेस्टी टेस्टी चीजें बनाते रहिए। हमारे घर में पनीर और चिकन की मोमोज, क्योंकि हमारे फैमिली में वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, तो दोनों ही बनेगी अगली बार। और दोस्तों आप भी ऐसे ही हंसते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल मिस्टर एंड मिसेस भट्ट को,
और ऐसे ही प्यार अपना बरकरार रखिए हमारे चैनल में। मैं यही दुआ देता हूँ कि आप सब खुश रहिए और ऐसे कोरोना टाइम में आप मतलब घर से बाहर मत निकलिएगा प्लीज, और सुरक्षित रहिएगा क्योंकि वो बीमारी बढ़ रही है, केसेस ज्यादा इंक्रीजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। हम अलविदा। तो ऐसे ही आप अपने घर में मोमोज बनाते रहिए और रुचि की तरह सबको खिलाइए और खुश रहिए। चलो तब तक के लिए, तब तक के लिए लेते हैं हम अलविदा आपसे। तब तक के लिए स्टे सेफ, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।